सबको जय गुरु। आज हम परम प्रेमय श्रेष्ठ ठाकुर अनुकुल चंद्र जी का जो मातृ सम्मेलन में जो पांचाली सॉन्ग प्ले होता है उसका नोटेशन करेंगे, नोटेशन लेसन, और मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो कृपा करके इसको अच्छे तरह से समझें और देखें कि किस तरह से इसका फ्लो है और कौन कौन सा स्वर इसमें लग रहा है। अगर आप लेसन को ठीक से देखेंगे ना, मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास है, आप निश्चित रूप से इसको प्ले कर सकते हैं और बजा सकते हैं। और साइड बाय साइड आप हारमोनियम लेसन देखते देखते आप हारमोनियम और कॉपी अपना निकाल लें, ताकि आप मैं जो बोलता रहूं अगर आप उसको थोड़ा सा नोट कर लें तो आपका नोटेशन लेसन इजी रहेगा आपके लिए। तो चलिए, मैं ये नोटेशन 20 स्केल में देना चाहूंगा और ये नोटेशन आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 20 स्केल से मैं 20 स्केल को सा मानूंगा। ये 20 स्केल है, इसको मैंने सा मान लिया। तो अभी इसका हम स्वर देखेंगे। तो 20 स्केल में ये सा हुआ, ये हुआ कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, सा। तो 20 स्केल में इतने ही कीज हैं, 12 स्वर कोमल और शुद्ध को मिला के। तो ये जो पांचाली है तोरा सुन रे भाई, तो ये पांचाली में क्या है जो मेन इंपोर्टेंट स्वर लग रहे हैं इसमें, तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज ये है, नोटेशन में मैं जितने बार भी मां बोलूंगा वो तीव्र मां होगा इस नोटेशन में, इस सॉन्ग के नोटेशन में जनरल शुद्ध मां का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो 20 स्केल में ये हो गया आपका तीव्र मां, ठीक है। और एक इंपोर्टेंट चीज है इस नोटेशन में, इस सॉन्ग के नोटेशन में आपको दोनों रे, शुद्ध रे, कोमल रे, दोनों धा, शुद्ध धा और कोमल धा, ये सब यूज हुए हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। तो ये हो गया आपका ये की 20 स्केल में, ये की हो गया आपका तीव्र मा, ठीक है। और ये की आपका हो गया शुद्ध धा और ये की आपका हो गया कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल धा। और बी स्केल में ये की आपका हो गया कोमल रे, ये की आपका हो गया शुद्ध रे, ठीक है। तो हमारा जो नोटेशन में कुल मिलाकर दोनों रे लग रहे हैं, दोनों धा लग रहे हैं, शुद्ध रे, कोमल रे, शुद्ध धा, कोमल धा लग रहे हैं, उसके बाद तीव्र मा लग रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका शुद्ध गा और पा लग रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। हमको ये नोटेशन के पहले समझना ये है, हमको लूप को समझना है, इस पांचाली में जो लूप चल रहा है उस लूप को समझना है, लूप किस तरह से वर्कआउट होता है। मैं पहले आपको 1x1 लाइन करके डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, उसके बाद उसको जोड़ दूंगा, उसके बाद लूप आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तोरा सुन रे भाई बोले जाई पांचा बड़र पद। तो हम अभी नोटेशन करेंगे तोरा सुन रे भाई बोले जाई, इतने तक का नोटेशन। तोरा सुन रे भाई बोले जाई, क्या है इसका नोटेशन, गामा दा 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 दा। तोरा सुन रे भाई बोले जाई का नोटेशन है गामा धा 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 धा। तो इसमें जो मा यूज हो रहा है वो तीव्र मा है, मैं बोल चुका हूं पहले से ही, इस नोटेशन में कोई भी शुद्ध मा यूज नहीं हो रहा है, जितने बार भी मैं मा बोलूंगा आपको समझना होगा ये तीव्र मा है।
तो नोटेशन क्या हुआ, गामा धा 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 धा, ये शुद्ध धा है बी स्केल में, ये कोमल धा है बी स्केल में। तो आप समझिए, ये बी स्केल में तीव्र मा, ये कोमल धा, ये शुद्ध धा, ठीक है। गामा धा 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 धा, तोरा सुन रे भाई बोले जाइए, ठीक है। गामा धा 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 धा, गामा धा 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 धा, तोरा सुन रे भाई बोले जाइए। इतने तक का नोटेशन हमारा कंप्लीट हुआ, अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए उसके बाद देखेंगे बांचा बाड़ार पोत। बांचा बाड़ार पोत क्या है उसका नोटेशन, माधा मा कोमल धा, शुद्ध धा कोमल धा, तीव्र मा धा, मा कोमल धा, शुद्ध धा कोमल धा, तीव्र मा गा, ये मा जो है तीव्र है, ठीक है। बांचा बाड़ार पोत मा धा 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 मा गा, 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 बांचा बाड़ार पोत मा धा 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 मा गा, मा धा 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 मा गा। तो अभी जोड़ देते हैं, क्या है, तोरा सुन रे भाई बोले जाई बांचा बाड़ार पोत, क्या है इसका नोटेशन, गामा धा 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 मा धा 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 मा धा। और एक बार देख लीजिए नोटेशन, तोरा सुन रे भाई बोले जाई बांचा बाड़ार पोत का, गामा धा 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 मा धा 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 मा गा। उसके बाद जे पोथे चो ले छे ठाकुर अनुकुलेर रोत, सुनो पुण्य कथा। जे पोथे चो ले छे ठाकुर, अभी इतने तक का नोटेशन करेंगे। जे पोथे चो ले छे ठाकुर गामा मा 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 पा मा, जे पोथे चो ले छे ठाकुर गामा मा 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 पा मा, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद अनुकुलेर रोत, अनुकुलेर रोत अनुकुलेर रोत, क्या है नोटेशन, तीव्र मा गा मा पा मा गा, बी स्केल में तीव्र मा गा मा पा मा गा, गा मा पा मा गा। अनुकूल रोत का नोटेशन है गा आ मा पा मा गा, ठीक है। सुनो पुण्य कथा रे रे, शुद्ध रे कोमल रे, ये शुद्ध रे है बी स्केल में, ये कोमल रे है। रे 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 गा गा गा, सुनो पुण्य कथा रे 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 गा गा गा, रे 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 गा गा गा, रे 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 गा गा गा, शुद्ध रे कोमल रे, शुद्ध रे गा गा, शुद्ध गा शुद्ध गा। अभी हमको समझना है कि हम इसको लूप कैसे करें। देखिए पांचाल में क्या होता है, तोरा सुन रे भाई बोले जाए बांचा बाड़ार पोत, जे पोथे चो ले छे ठाकुर अनुकूले रोत, सुनो पुण्य कथा। अभी जो नेक्स्ट लाइन आएगा आपको इसी से शुरू करना पड़ेगा, सुनो पुण्य कथा, किस तरह से, तोरा सुन रे भाई बोले जाई बांचा बाड़ार पोत, जे पोथे चो ले छे ठाकुर अनुकूले रोत, सुनो पुण्य कथा, सुनो पुण्य कथा तार बारोता, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है, यह था लूप का स्ट्रक्चर, जो दो बार जो जिस लाइन में वो कंप्लीट हो रहा है वही लाइन अगले लाइन अगले स्टैंजा में पहला लाइन बन जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम स्लोली एक बार देख लेते हैं किस तरह से प्ले हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये ये एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है। तो कंप्लीट नोटेशन क्या है इसका,
गा मा धा 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 मा धा 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 मा गा गा मा 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 पा मा गा मा पा मा गा रे 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 गा 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 मा धा 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 मा धा 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 मा गा गा मा 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 पा मा गा मा पा मा गा रे 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 गा 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 मा धा 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 मा धा 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 मा गा गा मा 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 पा मा गा मा पा मा गा रे 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 गा गा। लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पांचाली में लास्ट को बंदे पुरुषोत्तम 3 बार बोला गया है। तो देख लीजिए, पहला बंदे पुरुषोत्तम, दूसरा बंदे पुरुषोत्तम का नोटेशन सेम है, बस बस जो तीसरा वाला बंदे पुरुषोत्तम है उसका नोटेशन देख लीजिए। बंदे पुरुषोत्तम बंदे पुरुषोत्तम बंदे पुरुषोत्तम, ठीक है। पहला जो बंदे पुरुषोत्तम है रे 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 गागा रे 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 गागा रे 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 पाति ब्रह्मा शुद्ध गा शुद्ध रे कोमल रे शुद्ध रे गागा, ठीक है। बंदे पुरुषो तो आज के लेसन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेसन में कुछ नए वीडियो के साथ। सबको धन्यवाद। जय गुरु।